बस्ती ग्राम पंचायत नकटी देई की प्रधान बहन वर्षा सिंह हमारे साथ जुड़ रही है। वर्षा जी नमस्ते। नमस्ते सर, मैं अपने ग्राम पंचायत वासियों की तरफ से आपको नमस्ते करती हूँ और पंचायती राज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बस्ती में लॉकडाउन का पालन ठीक से हो रहा है? मेरे गांव में पूर्णतः लॉकडाउन का पालन हो रहा है और मैंने आशा बहन, आंगनबाड़ी बहन और एनएम बहन के माध्यम से लोगों को घर घर जाके जागरूक करवा रही हूँ कि लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर में रहें। आप घर में कितने रहने समय की से प्रधान है? सर, मैं फर्स्ट टाइम प्रधान ही हूँ, इसके पहले भी मैं प्रधान थी, बीच में सीट बैकवर्ड होने के नाते कोई दूसरा था। अच्छा, जो केंद्र सरकार की योजनाएं जो बनाई है, पीएम गरीब कल्याण योजना वगैरह, पीएम किसान सम्मान निधि, ये सब पहुंच रही है, सर, तो हमारे यहाँ वहां कैसे कर रही हैं आप लोग? सर हमारे यहाँ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो 25 लाभार्थी हैं, किसान सम्मान निधि में 155 लाभार्थी हैं और जो रजिस्ट्रेशन जिन श्रमिकों की हुई है उनके अंतर्गत 10 लोग हैं और जनधन योजना के तहत 50 लोग हैं जिनको लाभ दिया गया है। लोगों का और अनुभव कैसा है? संतोष किसान है सबको? सर बहुत ही संतुष्ट हैं लोग, आपके लॉकडाउन का निर्देशों का बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं और लोग अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये उन लोगों का सोच है कि हम घर में ही सुरक्षित हैं क्योंकि ये कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई अभी तक सटीक इलाज नहीं है, बस इसकी यही इलाज है कि हम घर में रहें, सुरक्षित रहें, सामाजिक दूरी 2 गज की दूरी पे रहें, घर में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। देखिए, कोरोना वायरस बड़ा विचित्र वायरस है लेकिन उसकी एक विशेषता भी है, वो अपने आप किसी के घर नहीं जाता है, नहीं सर अपने आप कहीं नहीं जाता है। अगर कहीं आप नहीं, उसको बुलाने जाएंगे, अगर आप उसको लेने जाएंगे तो फिर वो आपके साथ घर में घुस जाएगा, फिर वो घर में किसी को छोड़ता नहीं है। और इसलिए 2 गज की दूरी, ये मंत्र गूंजते रहना चाहिए। 2 गज की दूरी रख करके ही बात करेंगे, 2 गज की दूरी रख करके ही खड़े रहेंगे, 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रखेंगे। जैसे छाता ओढ़ते हैं ना, अगर मैंने एक छाता ओढ़ा और सामने वाले ने एक छाता ओढ़ा है तो 2 गज की दूरी अपने आप हो जाती है। तो ये बनाए रखेंगे तो मैं समझता हूँ इस संकट की घड़ी में मुझे अच्छा लगा कि अच्छा, आपके यहाँ गांव के लोगों को, क्योंकि पहले तो ऐसा कहते थे कि भाई दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा ही पहुंचता है, आजकल 1 रुपया निकलता है तो 100 के 100 पैसे उसके बैंक के खाते में जमा हो जाते हैं। तो गांव वालों को कैसा लगता है जब पूरे पैसे मिल रहे हैं? तो गांव वाले बहुत संतुष्ट हैं सर मेरे यहाँ, क्या बोलते आपके हैं? इस काम से बोलते हैं, जब से ये सरकार आई है तब से सारे लाभ सबको पूरी तरह से अच्छी तरह से मिल पा रहे हैं। चलिए वर्षा जी, आप बहुत अच्छा सर काम गांव कर रही में हैं। ये हाँ बताइए, कुछ कह रही थी आप। सर गांव में ये चर्चा हो रही है कि संकट की घड़ी में कोरोना जैसी जो वैश्विक महामारी है, आप जैसे प्रधानमंत्री नहीं होते तो इस देश का क्या होता? सर सोशल मीडिया पे ये हर जगह यही चर्चा हो रही है, हम लोग अपने बीच में भी यही चर्चा करते हैं। बस दो तो गज ये की हम दूरी मतलब है, ये हम सबको बचाएगी 2 गज की दूरी। खैर मुझे अच्छा लगा, गांव के वालों को संतोष है क्योंकि सरकार और जनता के बीच में जब विश्वास होता है तो कितने ही बड़े संकटों को हम पार कर लेते हैं। और इस बार जो हम लड़ाई जीत कर रहे हैं उसका मूल कारण विश्वास है, सबसे बड़ी ताकत विश्वास है। खुद पर भी विश्वास है, व्यवस्थाओं पर भी विश्वास है और संकल्प है कि हमें संकट से निकलना है।